साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं विशेषतः यूपीएससी यूबीपीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और यहाँ पर जो आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे यह सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा करंट अफेयर्स 1 मई 2021 से लेकर 15 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में। और आज के वीडियो में हम लोग इसके 150 प्रश्नों को यहाँ पर और अन्य फैक्टों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आज का पहला प्रश्न है किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली बार उड़ान भरी है। ये किसका है? रूस का है। अगला, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? फिलीपींस से मिला है। दुनिया का सबसे उम्र दराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? तो यह है जोनाथन कछुआ। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? तो इसको जो है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया गया। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। कौन सा राज्य पहली बार विश्व वधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये केरल करेगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो यह सऊदी अरब में बनाया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब में। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है शाइलिन फोर्ड ने। शाइलिन फोर्ड ने हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? तो ये कथक नर्तक थे। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान ने शुरू की है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? 23 जनवरी से। ठीक है, 23 जनवरी से सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिवस के दिन से। किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? ये कहाँ पर हुआ? प्रशांत महासागर में। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा है, नुसंतारा। किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ट्विटर ने। किस भारतीय बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? BSF ने। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? तो गुजरात के हाईकोर्ट में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? इंडिया गेट पर। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया? इसका अनावरण तेलंगाना के हैदराबाद में। कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो दिवस है आपका कहाँ मनाया गया? एक सेकेंड, ऑप्शन देखिए। यहाँ पर इसको त्रिपुरा में मनाया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में, डी ऑप्शन। जेरी बस्ती को किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये हैं जारा रदरफोर्ड। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV संधू ने जीता है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये शिंजो एबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आगे चलते हैं। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 128 लोगों को। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक किसने लिखी है? शुबीरा प्रसाद ने। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें 85वें स्थान पर रहा है। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्म श्री सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में। दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लम का खिताब किसने जीता है? इसले बार्टी ने। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनॉल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो इसका उद्घाटन मिस्र में हुआ है। आगे देखते हैं। महिला हॉकी विश्व कप 2022 में महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कांस्य तीसरे नंबर पर रही है, कांस्य पदक। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खुला है। किस धुन को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? तो ये है रंग दे बसंती। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया है? इसका नाम एकता नगर कर दिया गया। क्या कर दिया? एकता नगर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार हरसाली मल्होत्रा को दिया गया है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में।
जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो यह है केरल का कोच्चि। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं एस सोमनाथ हैं। बी ऑप्शन, दुनिया में पहली बार किस देश ने इंसान में सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया है, तो अमेरिका के डॉक्टरों ने। आईपीएल 2022 की टाइटल प्रोजेक्ट कंपनी कौन सी बनी है, तो टाटा बनी है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है डेनमार्क को। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पुंडुचेरी में। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 20 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा उत्पन्न कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, चाइना ने। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, गोवा की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे 50 प्रश्नों के, अब आगे चलते हैं। अगला है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है तेलंगाना के हैदराबाद में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर जो है उत्तर प्रदेश रहा है। 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है बिल स्मिथ को। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है, तो ये असम में, कहाँ पर, असम में लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा जो है दक्षिण कोरिया ने, किसने की है, दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण करना शुरू किया है, चीन ने। आगे देखते हैं, कौन सा उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है, केरल है। कौन सा राज्य 100% LPG सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। क्या, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में किसने अंक विज्ञान में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी चौधरी ने। लीजेंड्स क्रिकेट लीग ने ऑल वुमेन रेफरी टीम का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो झूलन गोस्वामी को। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, फिलीपींस ने लगाया है। प्रधानमंत्री ने किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, 26 दिसंबर को। हेनले पावर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत 83वें स्थान पर रहा है। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां शुरू किया गया है, तो इसको जो है नागपुर में, कहां पर, नागपुर में प्रारंभ किया गया है। स्वदेशी पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है, तो ये कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है, किस राज्य में है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक किरण बेदी ने लिखी है, किरण बेदी। डी ऑप्शन, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है, तो ये जीता है PR सृजेश ने। हाल ही में किस राज्य ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है, तो पंजाब ने। किस राज्य में तुरंगिया महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये या मनाया गया है, कहाँ पे मनाया गया है, ये आपका ऑप्शन अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। डी ऑप्शन, कौन सा देश दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, UAE संयुक्त अरब अमीरात ने। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में कहाँ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है, उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। भारत के नए महानियंत्रक कैग कौन बने हैं, तो ये हैं आपके सोनाली सिंह। महान गायिका लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, नर्मदापुरम। COVID-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, DNA वैक्सीन, तो भारत है। कौन सा राज्य भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है, तो ये जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। ब्लूबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, गौतम अडानी हैं। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कब सेवानिवृत्त किया जाएगा, 2031 में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। UNEP ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो ये समझौता जो है
महाराष्ट्र के साथ किया गया है। कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब पहन बैन को लेकर के चर्चे में था? उडुपी जिला। कौन सा जिला? उडुपी जिला। आगे चलते हैं, किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। किस राज्य ने कैंसर से सुरक्षा के लिए होप एक्सप्रेस वे की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। कहाँ पर 4 दिवसीय मरु महोत्सव मनाया गया? पोखरण में। इसरो ने 2022 का पहला उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया है? तो यह उपग्रह जो है EOS-04 नाम से लॉन्च किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहाँ पर देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी को स्थापित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली में। छात्रों के कौशल को निखारने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण को किसने शुरू किया है? तो इसको जो है नेपाल ने। किसने शुरू किया है? एक सेकेंड, प्रोजेक्ट आरोहण को जो है असम ने। ठीक है, असम ने प्रारंभ किया है। भारत की UPI सर्विसेज को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा बना है? तो ये है नेपाल। भारत किस देश में अपने पहले IIT की स्थापना करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कितने आरोपियों को फांसी की सजा दी गई? तो कुल जो है 38 लोगों को जो है फांसी दी गई। किसे पोलियो उन्मूलन के लिए हिलाल अब पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बिजनेसमैन बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है असम। हाल ही में शतरंज के किस खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो ये आर प्रज्ञा नंदन ने। हाल ही में कहाँ पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। तो अगला सेट है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया? कर्नाटक में। किसने, अगला देखते हैं एक सेकंड, किसने दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एयर प्योरीफायर लॉन्च किया है? IIT दिल्ली ने। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन गंगा। रिलायंस जियो इंडिया एशिया एक्सप्रेस के तहत किस देश को अंडरसी केबल से जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा मालदीव को। किसको? मालदीव को। आगे चलते हैं। किस देश ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इज़राइल ने किया। किसने किया है? इज़राइल ने। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो भारत के मुंबई में आयोजित की जाएगी। आगे चलते हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 ये किससे मिला है? तो ये जो है आपका डेरिल मिसेल को मिला है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 43 है। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया। आगे देखते हैं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च की है? ट्रुथ सोशल। सरकार ने LIC में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत तक FDI की अनुमति दी है? 20% तक। कितने? 20% तक। लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 2001 में दिया गया था। प्रो कबड्डी लीग 2022 टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जो है दबंग दिल्ली ने जीता है। चारा घोटाले से जुड़े 5वें व अंतिम मामले में लालू यादव को कितने साल की कैद की सजा सुनाई गई है? तो कुल 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। प्लांट आधारित COVID-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा है। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है योजना स्माइल योजना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया? 6.4%। आगे चलते हैं। उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? वाइब्रेंट विलेज। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसको मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थापित किया गया है। राजस्थान के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। RBI ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.8%। RBI ने। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन आहट। चक्रवात बसीराई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये जो है इसने मेडागास्कर को प्रभावित किया है। भारत ने किसी क्षेत्र में डीजल के स्थान पर
नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो यह है 2024 तक। आगे चलते हैं, भारत किस देश को आधार कार्ड एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा? भारत किस देश को आधार कार्ड एकात्मक डिजिटल पहचान लागू करने ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा? श्रीलंका को। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदारम यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया जाता है, डी ऑप्शन। 1000 पुरुष एक दिवसीय मैच खेलने वाला दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो यह है भारत। सरकार ने गैर अधिसूचित घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदायों कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह सीड योजना है। कौन सी है? सीड योजना है। पुनौरा धाम जानकी मंदिर को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। पीएम मोदी ने किस शहर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया है। मेटावर्स में खुद को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये है JP Morgan Bank। कौन सा है? एक सेकेंड, JP Morgan Bank। अगला है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण शुरू किया? चौथा चरण। कौन सा? चौथा चरण प्रारंभ किया। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किस क्षेत्र को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? दोनेत्स्क और लुहांस को। किस देश की मेजबानी में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है? फ्रांस की मेजबानी में। 25 फरवरी को हेमानंद बिरसवाल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किस कंपनी ने भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जीता? किसने जीता है? ये कोल इंडिया लिमिटेड ने। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर को मिलेगा? ये मिलेगा सूरत को। भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये किसके बीच? भारत और ओमान के बीच में। किस भारतीय संस्थान में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है आपका, एक सेकेंड, IIT बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं आयशा ए मलिक। बम चक्रवात किस देश को प्रभावित किया? तो ये जो है आपका अमेरिका को प्रभावित किया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये आपका बोधगया में। कहाँ पर? पटना के बोधगया में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उगालिल ओरवन को लॉन्च किया है? ये जो है MK Stalin की आत्मकथा है। सड़क पर रहने वाली जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये सेवा जो है आपकी चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में शुरू की गई। किस देश की मशहूर टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने 25 साल की उम्र में उपसन्यास घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया की। आगे चलते हैं, महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर एक साथ 11 लाख से अधिक दिए जलाकर कौन सा शहर गिनीज बुक में शामिल हो गया है? तो ये है आपका उज्जैन, ठीक है, उज्जैन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 136वीं। शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो इसका आधिकारिक शुभंकर जो है शुए रॉन। अब जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन फैक्टों को यहाँ पर हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के बारे में। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, राजस्थान ने दूसरा, हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह 4 श्रेणियों में आकलित किया जाता है। पहली श्रेणी में जिन्होंने 30 से कम स्कोर हासिल किया है उन्हें एस्पिरेंट का दर्जा दिया गया है। दूसरी श्रेणी 30 से 50 के बीच दावेदारों या कंटेंडर की श्रेणी। तीसरी श्रेणी 50 से 60 स्कोर के बीच अचीवर्स की तथा 60 के ऊपर अंक वालों को फ्रंट रनर राज्य का दर्जा दिया गया है, इसमें शामिल किया गया है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया गया है। उत्तर प्रदेश 35.5 स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है और वहीं गुजरात 34 स्कोर के साथ 10वें स्थान पर है।
पिछले रैंकिंग यानी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर था, इस बार कर्नाटक शीर्ष पर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बारे में। तो देखिए देश के पांच राज्यों ने में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ये राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। चार राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जबकि पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण, मणिपुर में दो चरण तथा उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं पंजाब में भगवंत मान ने, मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धानी ने और गोवा में प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 8 जनवरी 2022 को इन पांच राज्यों के चुनाव घोषणा की गई थी। 10 मार्च 2022 को इन पांच राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा की गई थी। ठीक है, 8 जनवरी को चुनाव की घोषणा की गई थी, जबकि 10 मार्च 2022 को चुनाव परिणामों की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अब तक के सबसे ज़्यादा 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है। वहीं योगी मंत्रिमंडल में पाँच महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर क्रमशः उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70 सदस्यीय, पंजाब में 117 सदस्यीय और गोवा में 60 सदस्यीय विधानसभाएं हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आईएलओ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 के बारे में। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने जारी किया है। रिपोर्ट रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल की भागीदारी के साथ साथ नौकरी की गुणवत्ता और अनौपचारिक रोजगार और कामकाजी गरीबों में वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों पर संकट के प्रभावों की जांच करती है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन तक होने का अनुमान है। 2022 में यह 2019 में कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले की तुलना में 21 मिलियन अधिक है। 2022 में वैश्विक काम के घंटे उनके पूर्व महामारी स्तर से लगभग 2% कम होंगे, जो कि 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है। भारत ने 2020 में आईएलओ के निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। आगे चलते हैं, अगला है गंगा एक्सप्रेस वे। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिम उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में जरूरत के हिसाब से 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर। यह एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बिजौली गांव, जो कि NH 334 पर है, से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूड़ापुर दादू गांव पर समाप्त होगा। यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। ये 12 जिले कौन से हैं? तो मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत जो है 36,200 करोड़ रुपये है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा किया जाएगा। पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात यह उत्तर प्रदेश सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। ठीक है, और इस एक्सप्रेस वे के साथ एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण भी प्रस्तावित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2022 के बारे में। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2022 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। इस ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। टोक्यो ओलंपिक भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, मतलब कुल 7 पदक जीते हैं, तो पदक के साथ 48वें नंबर पर रहा, कुल 7 पदक। इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने जीते हैं, कुल 113 पदक। भारत ने इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि प्रतियोगिता में उन्होंने कुल 202 किलोग्राम भार उठाया। मीराबाई कर्णमल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी वेट लिफ्टर बन गई हैं। लवलीना बोरगोहेन का यह पदक पहला ओलंपिक था। उन्होंने अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता इन्होंने, लवलीना बोरगोहेन ने, जबकि मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में बैडमिंटन क्वीन के नाम से मशहूर पीवी संधु ने सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय एथलीट हो गई हैं। पीवी संधु ने महिला सिंगल मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। रवि कुमार दहिया ने मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। यह उनका पहला ओलंपिक था। इस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचा। 41 साल के बाद पुरुष हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय में ओलंपिक में पदक हासिल किया। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, मतलब तीसरे स्थान पर रहा। हॉकी में भारत को आखिरी पदक गोल्ड के रूप में 1980 मॉस्को ओलंपिक में मिला था। बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के प्ले ऑफ मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत
नियाज वेकोव को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक में मेंस जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने मैच के दूसरे प्रयास में ही 87.58 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों में 163 देशों के 4403 खिलाड़ियों ने 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से 9 अलग अलग खेलों में कुल 54 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ टोक्यो दो बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया। टोक्यो पैरालंपिक में 25,000 पुरुष और 1853 महिला खिलाड़ियों ने चुनौती पेश की। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में भारत की तरफ से टेक चंद ने भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक ने भारतीय खिलाड़ियों टोक्यो पैरालंपिक ने भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य ठीक है, कुल 19 पदक जीते हैं। ठीक है, कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 19 पदक जीते हैं और जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ी जो पदक जीते हैं, देखिए भाविना पटेल इन्होंने रजत जीता है टेबल टेनिस में, निषाद कुमार रजत जीता है हाई जंप में, अवनी लखेरा स्वर्ण जीता है शूटिंग में, अवनी लखेरा दो पदक जीते हैं, योगेश कथुनिया रजत डिस्कस थ्रो में, सुमित अंतिल स्वर्ण डिस्कस थ्रो, देवेंद्र झारिया रजत जैवलिन थ्रो में, सुरेंद्र सिंह गुज्जर कांस्य जैवलिन थ्रो, सिंहराज कांस्य शूटिंग, मरियप्पन थंगावेलू रजत ये हाई जंप में, शरद कुमार को कांस्य दिया गया है हाई जंप में, प्रवीण कुमार को रजत दिया गया है हाई जंप में, हरविंदर सिंह को कांस्य दिया गया तीरंदाजी में, मनीष नरवाल को स्वर्ण दिया गया है शूटिंग के लिए, प्रमोद भगत को स्वर्ण दिया गया बैडमिंटन में, मनोज सरकार को कांस्य दिया गया बैडमिंटन में, सुहास LY को रजत दिया गया बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को स्वर्ण मिला है बैडमिंटन में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अकुश AUKUS अकुश हिंद प्रशांत के लिए नई सुरक्षा साझेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की। यह सुरक्षा साझेदारी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच होगी। इसे AUKUS नामक यह सुरक्षा समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीति हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस साझेदारी की केंद्रीय विशेषता में परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद प्राप्त करने के लिए 18 महीने का एक त्रिपक्षीय प्रयास शामिल है। ऐसी पनडुब्बियों को लंबी अवधि के लिए तैनात किया जा सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम प्रौद्योगिकी के साथ साथ पानी के नीचे की क्षमताओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग शामिल है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन के बारे में। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रेसिंग ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस हाई स्पीड ट्रैक का प्रयोग ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑटोमेटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए करेंगे। इस हाई स्पीड ट्रैक का प्रयोग 11.3 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक होने के साथ ही दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। यह हाई स्पीड ट्रैक 16 मीटर चौड़ा है और अंडाकार आकार का है, जिसे लगभग 2960 एकड़ जमीन पर विकसित किया गया है। यहां बने 4 लेन ट्रैक का प्रयोग सभी प्रकार के वाहनों के विकास और होमोलोगेशन टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के बारे में। 25 जून 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के विजेता घोषणा की है। सूरत और इंदौर को शहरी वर्ग में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को आर एस एस सी श्रेणी में देश में शीर्ष स्थान मिला। मध्य प्रदेश को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। कोविड इनोवेशन श्रेणी में महाराष्ट्र में कल्याण एवं डोवी वैली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। सबसे स्मार्ट केंद्रशासित प्रदेश श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। शहरी पर्यावरण में भोपाल अर्थव्यवस्था में इंदौर, जल की अर्थव्यवस्था में देहरादून शीर्ष पर है। इंदौर को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ। देश की स्वतंत्रता के
75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को मनाने के लिए 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 से किया गया। कब किया गया? 12 मार्च 2021 से। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में या आश्रम से पदयात्रा स्वतंत्र यात्रा को हरी झंडी दिखा करके की। 91 वर्ष पूर्व 12 मार्च 1930 को ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी मार्च के रूप में होती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए 5 स्तंभों पर फोकस किया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल 75 पर विचार, 75 में पर उपलब्धियाँ अचीवमेंट्स एट 75, तथा 75 पर संकल्प रिजॉल्व एट 75 शामिल है। महोत्सव की शुरुआत पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे चरखा अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इंडिया हैशटैग 75 की एक वेबसाइट लॉन्च की। मोदी की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन सरकार ने किया, जिसमें देश के अलग अलग भागों एवं क्षेत्रों से 259 लोगों को शामिल किया गया। 12 मार्च 2021 को शुरू हुए 75 सप्ताह के महोत्सव का समापन 15 अगस्त 2023 को होगा। विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की बात करें, उत्तराखंड प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल का निर्माण कर भारतीय इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है, जो अपने निर्माण के अंतिम चरण में 1315 मीटर लंबे इस पुल की नदी से ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण के बाद यह पुल चीन के शुआडीबाई रेलवे पुल, जो कि 275 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगा रहा है। ठीक है, यह रेलवे ऑर्गब्रिज 111 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल का एक हिस्सा है। इसका निर्माण 3 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इसके निर्माण पर लगभग 1400 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इस पुल की अनुमानित आयु लगभग 120 वर्ष है। आधाचंद्राकार यह पुल रिएक्टर पैमाने पर 7 और उससे अधिक तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाला हवा का सामना कर सकता है। इस पर 100 किलोमीटर की गति से रेलगाड़ी दौड़ सकेगी। आगे चलते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।